दोस्तों बिल आहर नवाज शरीफ साहब को बरियत मिल गई एवन फील्ड वाले केस के अंदर और नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ देखें तो पुरानी हुकूमत जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसके ऊपर काला धब्बा लग गया है और सिर्फ उसी के ऊपर ही नहीं बल्कि पुरानी अदलिया और नैब के ऊपर भी ये कलंक लग चुका है कि इन्होंने झूठे केस बनाए और नवाज शरीफ साहब को फंसाया और फिर ये सारी की सारी चाल चली गई और नैब और अदलिया को इस्तेमाल किया गया ताकि सियासत के अंदर गेन हासिल किया जाए और फ़ायदा हासिल किया जाए। दोस्तों पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये कैसे दाव पे चल रहे हैं कि नैब को जो भी चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ ये सारी की सारी चालें चल लेता है। और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान की अदलिया भी इसके अंदर शामिल थी और अब नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है, यानी कि आज के नवाज शरीफ साहब कल के इमरान खान बन चुके हैं और कल के इमरान खान आज के नवाज शरीफ बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अब जेल में हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की हवा बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के अंदर चल रही है और उड़ रही है और ये हवा हो सकता है कि बड़े बड़े सियासतदानों को उड़ा ले जाए। और नवाज शरीफ साहब जो हैं जैसा पाकिस्तान की सियासत इस वक्त नज़र आ रही है कि आने वाले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये सवाल उठता है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस नैब का खात्मा करेंगे कि नहीं, कि अगर इस नैब जो कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए बनाई गई थी वो 0/0 काम करती है और सिर्फ अपने सियासी गेन हासिल करने के लिए सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट और सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए लोग इस नैब को इस्तेमाल करते हैं और फिर ये नैब मीठी नींद सो जाती है और फिर नई गवर्नमेंट आती है वो भी उसे इस्तेमाल करती है, इससे पाकिस्तान की आवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो पैसा जो पाकिस्तान की आवाम टैक्स की मद में देती है वो पैसा नैब के ऊपर खर्च किया जाता है और नैब क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। दोस्तों क्या नवाज शरीफ साहब अब इस नैब को ख़त्म करेंगे कि नहीं, कि क्या नवाज शरीफ साहब अब इस नैब को जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ साहब अब इस नैब को अपने हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल करें और सियासी मकासद हासिल कर सकें। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।